जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं एक बारी में क्वेश्चन पकड़ लेंगे, भले ही उनको कंसेप्ट आता, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो समझ आ जाएगा। अब पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो अलग बात है। आपने कभी ना न्यूज़पेपर रीडिंग करी, ना बुक रीडिंग करी, ना आपने कभी इसकी नॉवेल्स की रीडिंग करी, आप हमेशा विजुअल्स की जगह पर, मींस आप हियरिंग पर डिपेंड रहे लर्निंग में। आपने किसी ने कुछ बोला, न्यूज सुनी, याद हो गई, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया, एक घंटा लगा दिया एक न्यूज को पढ़ने में, ये आपकी रीडिंग हैबिट है जो आज आपको बैकफायर कर रही है। जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं एक बारी में क्वेश्चन पकड़ लेंगे, भले ही उनको कंसेप्ट आता, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो समझ आ जाएगा। अब पढ़ा नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपकी ये वाली बात करी जाए तो ये आपकी रीडिंग हैबिट से है, ठीक है, ये आपकी रीडिंग हैबिट से है। पैरामीटर्स फॉरगेट करना, क्योंकि आप इंपेशेंट हैं, आप उन क्वेश्चंस में वो पैरामीटर्स को अलग नहीं लिख रहे, आप जल्दबाजी में जाना चाहते हैं। कांट गेट द फ्लो फ्रॉम द क्वेश्चन, क्योंकि आपकी थ्योरी वीक है, ठीक है। जब क्वेश्चन आपका डी ब्रोगली का है तो डी ब्रोगली की थ्योरी खड़ाक से दिमाग में आनी चाहिए कि क्या बोला था, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आया है तो उसी को ही यूज करेगा, कैसे घुमा सकता है, तो आपको फ्लो समझने के लिए आपकी थ्योरी वीक है। पहला स्टेप आपका हमेशा आपकी प्रैक्टिस से आता है। अगर आपको ये चीज सच नहीं लगती है तो मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं। कोई एक ऐसा चैप्टर सोच लो जो आपको आता है, भले वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का है, कोई भी, ठीक है, जो आपको लगता है आपको आता है, उसका जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन रीड करते समय आपको ये दिक्कत आती है? कभी नहीं आएगी। अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, या फिर आपको ऑर्गेनिक आती है, क्वेश्चन देखते ही आपको ये दिक्कत कभी नहीं आएगी। और ये दिक्कत नहीं आई तो आपको ये दिक्कत तो और कतई नहीं आएगी। मींस पहला स्टेप कहां रुकता है? वहां रुकता है जहां पे आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपकी थ्योरी वीक है। जब आप टेस्ट देंगे तो आपको अपने आप समझ आएगा कि यार ये वाला चीज मेरे साथ दिक्कत हो रही, क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हो रहा नहीं पता चला, ये क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो। बार बार वही थ्योरी मत पढ़ो जो आपको आता है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो रेलिवेंट के लिए आपको थ्योरी पढ़नी है।